आज हमारे फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कच्चे हरे नारियल से दूध बनाकर दिखाएंगे और मिल्क शेक भी बनाएंगे। आपको तो पता है ये कितना इसमें बेनिफिट रहता है, कितना ये फायदेमंद है। इसमें विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए विकास में बहुत ही आवश्यक है। विटामिन सी भी होता है इसमें। विटामिन सी जो टिश्यू और रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, उनको ठीक करने में काम आता है, उसके विकास में सहायक है। ये आपके जो शरीर की इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, बहुत उसमें मदद करता है। आपको पता होना चाहिए ये जो माँ के दूध के बराबर हेल्थफुल है। यह त्वचा के लिए बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। जैसे आप अपने चेहरे पर इसका अगर दूध लगाते हैं तो आपकी चेहरे में अपने आप ही एक शाइनिंग जैसी आने लगेगी, ग्लो करने लगेगा आपका चेहरा। और फेस पैक बनाकर भी इसको लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके लगा सकते हैं, या आप अपने जौ के आटे में इसको इसके दूध को मिक्स करके फेस पैक लगा सकते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट हैं, अभी हम आपको आगे और बताएंगे। हम इसके दूध बनाने के लिए जो काम करना है वो हमको बताते हैं। जैसे ये हमारे नारियल के छिकले से इसको बाहर निकाल देंगे, जो नारियल का हार्ड वाला पार्ट है उससे हम इसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद में ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से छील कर निकाल देंगे। आप डाल भी सकते हैं लेकिन फिर उसमें एक हल्का सा कालापन आ जाता है उसके दूध में। आप इस तरीके से सारा छील कर हटा दें, बहुत जल्दी हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है हटाने में। इस तरीके से आप पूरा इसको हटा दें छिलके को। ये देखिए हमने सब छील दिए हैं इनको, ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरीके से छील कर धो लीजिए। और ये देखिए इसका निकला हुआ है, आप इसको खा भी सकते हैं, स्क्रब भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पेड़ पौधों में डाल दें, ये काफ़ी अच्छी खाद का काम करेगा। और चाहे आप इसको मीठा में किसी भी तरीके से आप यूज़ कर दें, इसको पीस कर आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसका। अब हम इनको क्या करेंगे, या तो इसको महीन महीन इस तरीके से हम कट कर लेंगे, इस तरीके से हमको ग्राइंड करना है इसको। और या तो हम ये कद्दूकस लेकर के और इसको कद्दूकस कर देंगे, जो भी आपको आसान लगे आप वो कर लें। हम इनको कट कर लेंगे। अब आपको हमने बता दिया है, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। ये हम लोगों में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी वाली औरतें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके बच्चों के बच्चे के लिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा ये काम करता है। बच्चे के माइंड के भी लिए करता है, बच्चे का कलर है, बच्चे की आँखें हैं, हर चीज़ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रेग्नेंट औरतें इनको जरूर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूध निकाल कर सेवन करने की कोशिश करें। डेली एक कप दूध ले सकती हैं और ये दूध आप फ्रिज में रख करके इसका आप 3 से 4 दिन तक यूज़ में ले सकती हैं। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये बहुत ही लाभदायक दूध है नारियल का। आसानी से घर में बन जाता है और हम इसको ही बना के रख लेंगे, एक दिन 3-4 दिन मेरा काम करेगा, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्थफुल है और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। और बच्चे में दिमाग डेवलप होता है उस समय भी इसका यूज करें। एक कप आप डेली ले सकती हैं इसको, और जिस तरीके से लेना चाहें फ्रिज में बना के रख लें, वो आपका 3 से 4 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। आप इसी तरीके से सब कट कर लीजिए। ये देखिए हमने सब कट कर लिया है महीन में। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सब ऐड कर देंगे। डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये पेस्ट तरीके से बन जाए। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए ये हमने पीस लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बाउल लेंगे और इस तरीके से एक छन्नी रखेंगे, बड़ी छोटी जो भी हो आपके पास, इसको ऐसे रख करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप, और थोड़ा सा जब इसका दूध निकल कर नीचे गिर जाए तो आप कपड़े को समेट कर इस तरीके से पकड़ लें। और ये देखिए आप, इस तरीके से आप इसको निचोड़ दें।
ये देखिए हमारा इसमें दूध निकल रहा है। नारियल का दूध इसी तरीके से हम निकालते हैं और ये हरे नारियल में ही निकलेगा। ये पानी वाला जो हरा नारियल होता है उसी में दूध निकलेगा, ना तो ये सूखे में निकलेगा और ना ये मलाई वाले में निकलेगा। जिसका हम मलाई वाले में पानी पीते हैं उसमें भी नहीं निकलेगा। अब ये जो हमारा है, ये जो सूखा वाला निकला है, अभी इसको हम एक बार और इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए आप इस तरीके से और डाल करके और पानी डाल देंगे। ये देखिए आप पानी डालकर फिर पीस लेते हैं इसको हम। ये देखिए हमने दोबारा भी पीस लिया है। अब इसको उसी तरीके से फिर दाब करके निकाल देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए अब इसका जो ये बचेगा बुरादा जैसा, इसको आप चाहे फ्राई करके रख लें तो ये बिल्कुल आपका किसी भी रेसिपी में काम आ जाएगा। इसको आप सूखा बुरादा जैसा बना लीजिए, किसी मिठाई में डाल दीजिए, किसी ग्रेवी में डाल दीजिए, और इसको सूखा अभी जल्दी आपको बनाना हो तो इसी तरीके से डाल दीजिए, नहीं तो इसमें गैस पर पैन रखकर उसमें बूरा बना लीजिए। गर्म हो जाएगा तब ये सब सूख कर महीन हो जाएगा। ये देखिए आप, देखिए अब बिल्कुल हमारा दूध बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम दूध को इसमें निकाल के आपको दिखाते हैं। कोई नहीं कहेगा कि हमारे छोटे बच्चों को आप 3 से 4 चम्मच पिला दीजिए, 6 महीने के बच्चे हैं, साल भर के हैं, और फिर आप देखिएगा बच्चों में परिवर्तन। और अब हम क्या करेंगे, इसी का आपको मिल्क शेक बना के दिखाते हैं। इस तरीके से हम एक जार ले लेंगे और एक ग्लास हम कोई भी दूध लेंगे, चाहे आप मलाई वाला दूध लें और चाहे आप बिना मलाई का दूध लें, एक ग्लास दूध इसमें हम डाल देंगे। अब हम एक ग्लास इसी में ये दूध भी ऐड कर देंगे। हम 2 ग्लास बना रहे हैं, ऐसे नाप कर आप डाल दीजिए। ये मिल्क शेक हम बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर है, आप इसको यूज करके देखें। और ये हमारी चीनी है, ये आप अपना जितना भी मीठा चाहें उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। हमने 4 चम्मच चीनी डाल दी है। और ये हमारे काजू हैं, आप चाहे भिगो कर डालें चाहे ऐसे ही डाल दें, उसका थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा ही अच्छा लगेगा। 6-7 पीस हमारा काजू है वो हमने डाल दिया। अब हम इसको शेक को ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बर्फ भी ऐड करेंगे, 4-6 पीस इसमें डाल देंगे, जितना आप चिल्डी पीना चाहें अब उस हिसाब से बर्फ इसमें ऐड कर दें। अब इसको हम चलाते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल मिल्क शेक बना लिया है। और क्या करेंगे, आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट भी ऐड करके चॉकलेटी शेक बना सकते हैं। और हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा चॉकलेट सिरप है और इसी में हम अभी दूध को डालेंगे। ये जो हमारा मिल्क शेक वाला रेडी किया है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए ये हमारा मिल्क शेक हो गया है और ये वो चॉकलेटी सिरप था और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसा भी अच्छा लगे। और ये हमारा नारियल का दूध है, इसको डेकोरेटेड कर देंगे। ये हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया है नारियल का, और ये हमारा दूध तैयार हो गया है।